Kartikeya, you are with us. Can we have Kartikeya? Kartikeya, you are an engineer by training, and then you got into state civil services. And after that, you went through an experience of cancer. And you again went through an experience of cancer. Apart from that, you also lost very dear ones because of this dreaded disease. तो ये जो आपकी fight थी cancer से, जिसमें से आप इतनी खूबसूरती से और इतना scar free निकल पाए, इसकी जो ये जो fight थी, ये mind के level पे कितनी थी करती है? Okay. So, good evening, ma'am, and wish you a very happy International Self Care Day. Thank you. मुझे तो मालूम भी नहीं था कि ऐसा कोई डे जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हम सेलिब्रेट करते हैं. ये मुझे आपकी वजह से, संजीवनी की वजह से पता चला. थैंक यू सो मच. बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स, इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरी कोई बीमारी हुई क्यों. True, that would be lovely. तो जैसे आप कहती हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कहां से शुरू हुआ, कि मैं 11th में था, मेरे फादर को कैंसर हुआ जी. जब मैं 12th में आया तो उनका देहांत हो गया. ही वाज 43 इयर्स ऑफ एज, 43 साल के थे वो उस समय. मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. मैं 12th में CBSE यहाँ अपने जोन में टॉप किया मैंने. मैं IIT पढ़ने गया और 5 साल बाद जब मैं IIT से लौटा तो विद इन 5 डेज मेरी माँ को कैंसर डायग्नोज हुआ जी. और उनकी उनका ध्यान रखते हुए, उनकी देख रेख करते हुए, जो नौकरी मुझे 7.5 साल बाद इतना क्वालिफाइड होने के बाद जो मिली जी. वो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये टीस रही कि इट वॉज नॉट कमेंसुरेट विद माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेरी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप नहीं मिला मुझे काम. एक मन में ये भाव, एक अवसाद जो है वो एक डिप्रेशन सा इस बात का कि भगवान जो है वो मेरे साथ ही अन्याय क्यों कर रहे हैं, वाई मी, बार बार मुझे ही क्यों जो है वो परेशान किया जा रहा है. एंड इन 2003 व्हेन माय मदर एक्सपायर्ड, उसके 4 साल के अंदर ही मुझे कैंसर हुआ. तो ये जो फीलिंग थी, मैं जो है वो कई लोगों से मजाक में कहता भी था कि मेरे फादर बहुत जल्दी चले गए तो मैं भी शायद, मुझे जो कुछ अपने जीवन में करना है दैट आई हैव टू डू बिफोर 43, बिकॉज 43 के आगे तो जीवन होता नहीं. सो नाउ व्हेन कैंसर केम टू मी, एक्चुअली उस समय मैं 40 साल का भी नहीं हुआ था. बहुत बाद में जब बीमारी के दौरान मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि मैंने अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपने मस्तिष्क से मैंने कैंसर को इनवाइट कर लिया अपनी तरफ. ओ माय गॉड, दिस इज सच अ सेल्फ डिस्कवरी एक्चुअली, अमेजिंग जी. नाउ कमिंग टू द फाइट इटसेल्फ, तो जब बीमारी हुई तब मुझे समझ में आया कि मैं जो है मैं तो इस सारे अवसाद में ही रह लिया. मैं तो जीवन ठीक से मैं तो शायद जी ही नहीं पाया. नाउ अब मौत मेरे सामने खड़ी थी. मेरा बेटा उस समय 5 साल का था और मेरे मन में ये भाव था कि मैं अगर जो है वो इतना 12th में आने के बाद भी, जब मेरे फादर की छत छाया जो है वो मेरे ऊपर से खत्म हुई, तो उसके बाद अगर उसने कभी मेरे करियर वगैरह को इतना एडवर्सली अफेक्ट किया तो मेरे बेटे की परवरिश कैसे होगी, उसकी देखभाल कैसे होगी. सो आई वॉन्टेड टू लिव फॉर हिम, मैं उसके लिए जीना चाहता था. दूसरी तरफ जो है वो मेरे को ये भी समझ में आ रहा था कि रियलाइजेशन हो चुका था ये कि जो है मैंने बीमारी को अपनी तरफ इनवाइट किया है. तो अगर मैंने उसको इनवाइट किया है तो क्या मैं अपने मेंटल लेवल पे जो है वो उससे फाइट करके उससे उबर भी सकता हूँ अब. सो देयर वाज दिस फीलिंग एंड देयर वर पीपल लाइक माय डॉक्टर जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, मुझे संबल दिया. मुझे 3rd stage कैंसर था, बॉर्डरिंग ऑन 4th C2 कैंसर था मुझे आंतों का. पिछले 1 साल से ब्लीडिंग हो रही थी. आई वॉज रिड्यूस टू अ स्केलेटन, मेरा वेट जो है 50 किलो से कम हो गया था. कीमोथेरेपी बहुत ज्यादा पेनफुल थी, 48 घंटे चलती थी. मेरे जो है वो नसें सूज जाती थी. रोना जो है गलती से कोई टच भी हो जाता था किसी चीज से तो बहुत चीत्कार उठती थी. बट माय डॉक्टर टोल्ड मी कि अगर मैं इससे जो इफ आई कुड ओवरकम दिस, अगर मैं ये समय निकाल लूंगा तो मैं एक मिसाल बन जाऊंगा. वो जो उन्होंने मुझे जो प्रेरणा दी और मेरी जो ये दृढ़ जो इच्छा शक्ति जो मुझे जो है वो मिली थैंकफुली, उसकी वजह से आई थिंक आई वाज एबल टू कम आउट ऑफ द एलिमेंट. तो मुझे लगता है कि बीमारी का आना और बीमारी से लड़के जैसा आप उसको प्रेजेंट कर रही हैं, उस पे विजेता बनना,
विक्ट्री पाना, ट्रायंफ पाना, आई थिंक ग्रोथ आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द मेंटल लेवल. Absolutely, absolutely. Actually, all our fights have to be won at the level of the mind. Kartikeya, एक चीज बताओ, अभी तुम जितना मैं जानती हूँ बहुत जोवियल किस्म के इंसान हो, बहुत जिंदा दिल हो, तो पहले से ऐसे थे या ये जो एक्सपीरियंस लाइफ में आया इसने आपको जिंदगी की कुछ ऐसी डायमेंशन से इंट्रोड्यूस किया दैट यू थॉट दैट देयर इज अनदर वे टू लिव प्रोबेबली एंड दैट यू ब्रॉट सम चेंज इन योरसेल्फ? हाउ डिड लाइक हैपन? ओके, तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास तो समय नहीं था मुस्कुराने का. मैं तो आई वाज टेलिंग मायसेल्फ दैट गॉड इज आफ्टर मी. तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, मैं बहुत ज्यादा खड़ूस था, बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव था, बहुत स्ट्रिक्ट था, वेरी स्ट्रिक्ट विद माई सेल्फ एंड विद पीपल अराउंड मी. बहुत हार्ड टास्क मास्टर था, बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट था. अपने चारों लोगों को परेशान करता था, केवल मुकेश के गाने गाता था, सारे बहुत रूल और देवदास काइंड, और बिल्कुल एंग्री यंग मैन की तरह रहता था, मतलब नॉट लेस देन अमिताभ बच्चन. But definitely yes, the ailment changed a lot of that. पहली बात तो मुझे ये समझ में आया, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि मुझे समझ में आया कि मैंने अपने इस खड़ूसपने से मैंने बीमारी ओढ़ ली, मैं उसको ऊपर ले आया. अब now there was very limited option. बहुत कम समय था, उसको जीना था, तो मुझे समझ में आया कि मैं गलत कर रहा हूँ. लेकिन मुझे इतने अल्प समय में मेरे को अब मुस्कुराना है, तो मैंने मुस्कुराना सीखा. ठीक है, मेरे फिर मैंने हंसना सीखा. ठीक है, फिर मैंने लोगों को हंसाना सीखा. सो यू नो इट केम इन फेजेस. And I think God was extremely kind to me. मुझे समझ में आ गया कि I have to live one moment at a time. I have to enjoy this moment. मुझे समझ में आ गया that I have to live life one day at a time. मुझे समझ में आया that I have to count my blessings. ये तो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं परेशान होता हूँ, जो मैं गुस्सा करता हूँ, it is all actually only affecting me. So God was so kind to me that He gave me the second inning, जिसकी वजह से आज आप ये कह पा रही हैं कि मैं ठीक है अच्छा हूँ और खड़ूस नहीं है. और मुझे ये समझ में तो आया, आई शुड जस्ट थैंक हिम फॉर इट. एंड आई एक्चुअली फील दैट माय लाइफ, जैसे कुछ लोग कहते हैं लाइफ बिगिंस एट 40, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि माय लाइफ बिगन ओनली आफ्टर दिस कैंसर. आई एम सो ब्लेस्ड, अच्छा हुआ कैंसर हो गया, वरना मैं तो ऐसे रोता रोता ही मर जाता मैं. सो लाइफ फॉर मी बिगन ओनली आफ्टर कैंसर. आई लर्न टू लिव लाइफ बिकॉज ऑफ माई कैंसर. Beautiful, beautiful. You know, Kartikeya, I was just looking at the participants, and we have approximately 1,000 people who are logged in right now. Actually, Zoom does not allow more than 1,000, so we are. So, rest of the people are watching you on Facebook Live. और मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग यंग हैं. आई कैन सी अ लॉट ऑफ यंग पीपल. सो यंग पीपल हैव देयर ओन फियर्स. दे हैव फियर ऑफ देयर करियर्स, दे हैव फियर अराउंड देयर रिलेशनशिप्स, दे हैव फियर ऑफ द पास्ट, ऑफ द फ्यूचर, दे हैव द फियर ऑफ द पीयर प्रेशर. सो मोस्ट ऑफ द यूथ, the young people today, they are living in this emotion of fear. और आपने एक इतने बड़े fear को conquer किया है. I mean to have this fear of cancer. I have myself gone through it and you have gone through it twice. And so I want that if you can share with this young audience as to how did you conquer this fear or what is your advice to them? ओके, सो व्हाट आई वुड से इज कि आपने ये इतनी सारी जो चीजें बताई हैं जो हमारे यूथ को सबसे ज्यादा जो है वो कन्फ्रंट करती हैं जी. सो जीवन की इस आपाधापी में, जीवन में ये जो सो कॉल्ड सफलता है इसको प्राप्त करने के लिए, जो फिजिकल सक्सेस है जिसका कॉन्टेशन जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है, हम जो है वो धीरे धीरे संभवतः जो अपने आप से जो है लापरवाह हो जाते हैं. जो ये पीयर प्रेशर है, ठीक है, फिर हमारे परिवार होते हैं, ठीक है, अपने परिवार वालों को, अपने समाज के लोगों को, अपने दोस्तों को खुश करने के चक्कर में,
अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको जो है पूरा करने के चक्कर में हम धीरे धीरे जो है अपने प्रति जो हमारी जो जिम्मेदारी है, अपनी जो जो आज सेल्फ केयर जो इशू है, ठीक है, उसको हम दरकिनार करने लग जाते हैं। आई थिंक उससे होता ये है कि एक तो हमारी फिजिकल वेलबींग जो है अफेक्ट होती है, हमारी फिजिकल फिटनेस, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम अपना सारा समय जो है इस रैट रेस को दे रहे हैं। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आई कि इनडायरेक्टली इससे हमारी जो सेल्फ एस्टीम है, हमारी जो सेल्फ इमेज है, हमारी जो सेल्फ वर्थ है, ये जो है वो मुझे लगता है अफेक्ट होती है एडवर्सली। एंड व्हेन दिस स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड, इट अफेक्ट्स योर इम्यून सिस्टम, और इसकी वजह से ये बीमारियां, ये सब जो है, ये एलिमेंट्स वगैरह जो है हमको घेर लेते हैं। तो मेरी एडवाइस तो यही होगी कि हमको जो है वो वी हैव टू रिमेम्बर, वी हैव टू लर्न टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स, वी हैव टू लर्न दैट दिस लाइफ इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हमको जो है वो ये जो जीवन भगवान ने हमको दिया है, इसका हर मोमेंट हमको अच्छे से अच्छे तरीके से जीना है। और ये जो आप डिफिकल्टीज की बात कर रहे हैं, कई लोग इस पैंडेमिक से भी इसको रिलेट करते हैं, डिप्रेशन एंड सो ऑन, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मुझे समझ में आई, व्हेन यू आर ऑन योर डेथ बेड विच आई वाज, जब चारों तरफ आपकी नलियां होती है, आपको पता होता है कि आप जो है, आपको लगता है दैट यू आर नॉट गोइंग टू कम आउट ऑफ इट अलाइव, जब भी कष्ट होता है, जब छोटा सा भी कष्ट होता है, तो बहुत आपको, आपके लिए वो सबसे बड़ा कष्ट है। तो आपको लगता है कि यार भगवान मुझे उठा ले, लेकिन ये चीज खत्म हो जाए किसी तरीके से एंड सो ऑन, लेकिन दिस टू शैल पास, यू नो। एंड इफ इट, अगर आप जो है उसको ओवरकम कर पाते हैं, अगर आप उस समय थोड़ी सी जो है वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा पाते हैं, उस समय मस्टर कर पाते हैं अपना करेज, तो यू विल बी एबल टू लुक बैक एट दिस टाइम विद अ सेंस ऑफ ट्रायंफ, विद अ सेंस ऑफ प्राइड, जो अभी आपने जैसे कह दिया, अभी आपने हीरो बना दिया मेरे को जैसे, है ना। तो वो जो चीज है वो तभी आती है, लेकिन जब आप जो है वो, तो स्टे पुट, इट इज नॉट ओवर एज वी से टिल इट इज फाइनली ओवर, यू नो। तो हमें जो है वी हैव टू गिव इन आवर बेस्ट, और वी हैव टू सी गॉड्स ब्लेसिंग्स, लाइफ इज फुल ऑफ मिरेकल्स, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको जो, वी हैव टू डू आवर बेस्ट एंड वी हैव टू कीप, such an amazing advice that if we can live through our fearful times, then we can come out as heroes. Kartikeya has also written a book called There Is Life After Cancer.